मगध के वासियों, आज मेरे अर्थात मगध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये महत्वपूर्ण आयोजन रचा गया है और इस आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं एक अति विशिष्ट अतिथि, वो जो मगध की मित्रता और संधि के पात्र है, उस अलेक्जेंडर का सेनापति जिसने सारा संसार जीता पर मगध का सामना करने का साहस नहीं किया। मुझे प्रसन्नता है कि जिसके सामने सारा संसार झुकता है उसने अपनी मित्रता का हाथ मगध की ओर बढ़ाया है, जो अपनी शक्ति से भी परिचित है और मगध के बल का अभिवादन भी करता है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कीजिए मगध के मित्र और यवन सेनापति सेल्यूकस का। सेल्यूकस का, सेल्यूकस का, सेल्यूकस मेरे जन्मोत्सव पर विशिष्ट अतिथि बनकर आप पधारे, मैं गद गद हो गया। अब मैं आपको सम्मान दूंगा कि आप वो मूर्ति अनावृत होते हुए देखें जो मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं ने मुझे भेंट की है। सो हाथ ऊंची, 20 हाथ चौड़ी, स्वर्ण से बनी है सम्राट की प्रतिमा, जो 7 भागों से मिलकर बनी है, सम्राट के 7 भाइयों की ओर से उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक। बहुत खूब, इतना बड़ा सोने का मुजस्मा मगध के शाह के रुतबे और रसूख को बखूबी बयां करेगा। निस्संदेह, निस्संदेह वो मेरे शत्रुओं को हमारी सीमा से दूर रखेगा और मेरे मित्रों को अपने सीमा में रहने की सीख देगा। बेशक शाह, सियासत में जब तक मकसद एक हो हाथ एक होते। मकसद अलग तो दोस्त अलग। मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो, ताकि इस तक बाल में उठी शमशीर चीरने को ना झुके। यही यही गुण तो मुझे भाता है आपका सेल्यूकस, शब्द तलवार की भांति तेज धार और सोच घुड़सवार की भांति घुमावदार। उत्तम, चलिए उत्सव में सम्मिलित होते आइए। बालक कौन था? मगध की माटी से उठा हुआ, पवन से वेगवान, क्रोधित समुद्र जैसा रौद्र, रेत के बवंडर जैसा शक्तिशाली, संकटों से खेलने में निपुण, सिंह के समान अपने झुंड का नेतृत्व करने में कुशल, अपने साथियों के लिए अपने प्राण देने को तत्पर, और बिना स्वार्थ एवं कारण के मुझ जैसे अपरिचित के प्राण बचाने वाला उदार।
उसमें वो प्रत्येक गुण है शतकार जो मैं भारत के भविष्य में देखता हूं, वही होगा अखंड भारत का सम्राट। नाम क्या था उस बालक? पारखी पत्थर में छिपे रत्न की केवल चमक पहचानता है, क्योंकि तराशे जाने के पश्चात रत्न अपना नाम स्वयं बना लेता है और उसे तराशने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा। क्षमा करें आचार्य, किंतु एक स्त्री का आभूषण अपने गले में धारण करने वाला बालक भावी सम्राट कैसे बन सकता है? ये आभूषण अवश्य ही उसकी मां का होगा और एक सच्चा शूरवीर ही अपनी भावनाओं को इस प्रकार अपने सीने पर धारण करने का साहस रखता है। भैरव, कल्पना करो भैरव, जो अपनी माता से इतना प्रेम करता है वो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करेगा। अब जो मूर्ख मगध के सामने शीश उठाने का दुस्साहस करते हैं, उनकी पगड़ी भी गिर जाएगी जब वो देखेंगे कि मगध सम्राट का प्रतिरूप कितना भव्य है, कितना विशाल है। जितना तेजस्वी उतना वैभवशाली होता है, नख से लेकर शीश। ये सम्राट धनानंद का वो अभिरूप होगा जो ना कभी संसार भूलेगा और ना कभी इतिहास। सम्राट धनानंद की।